तो दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं यानी ऐप को छुपाना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जैसे फ्री फायर हो गया, गेमिंग एप्लीकेशन हो गया, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन हो गया जो फैमिली लोग अलाउ नहीं करते हैं यूज़ करने के लिए, तो वो हमको यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे और कैसे हम अपने फैमिली मेम्बर या फिर दोस्तों से उसे दूर रख सकते हैं। अगर वो स्क्रीन पर दिखता है तो कोई भी समझ जाएगा कि हम इस एप्लीकेशन को यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर दिखे ही ना, वो बिल्कुल ही वहाँ से हट जाए तो कोई भी बंदा नहीं जान पाएगा कि हम किस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप कैसे हाइड कीजिएगा एप्लीकेशन, वो सारी चीज वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, यहां पर आपको इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहां पर साइड में देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है और पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहां से आप अपने स्क्रीन लॉक सेट करते हैं वहीं पर आ जाना है और यहां पर नीचे आप देख सकते हैं ऐप लॉक का ऑप्शन दे रहा है, तो सिंपली आपको ऐप लॉक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐप लॉक पर क्लिक करते हैं तो यहां पर पासवर्ड मांगेगा। अगर पहले से आप यहां पर पासवर्ड सेट किए हैं तो वो पहले मांगेगा, वरना आपको यहां पर सेट करने के लिए कहेगा कि आप पासवर्ड कोई भी चूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम पासवर्ड को यहां पर दे रहे हैं, उसके बाद ये इस तरीके से ऑन हो जाता है। अब हम जिस भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं यानी उस पर लॉक लगाना चाहते हो यहां तो इजीली आप कर सकते हैं। जैसे यहां पर मेरा कैप कट है तो इसके अंदर हम कर लेते हैं ऐप लॉक। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन, यानी आप होम स्क्रीन से बिल्कुल इसको छुपा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, होम स्क्रीन पर ये एप्लीकेशन दिखेगा ही नहीं। अगर आप ऐप लॉक रखते हैं तो वो एप्लीकेशन दिखेगा लेकिन ओपन करते समय आपको लॉक मांगेगा, अगर हाइड कर देते हैं तो आपको एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर दिखेगा ही नहीं। तो सिंपली इसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहां पर एक कोड मांगेगा जिसको आपको सेट करना है, वही कोड डालने के बाद आपको वहां पर दिखेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेट एक्सेस कोड पर क्लिक करना है। तो यही कोड के जरिए आप अपने एप्लीकेशन को देख पाएंगे और उसे यूज कर पाएंगे। तो इस कोड को आप ध्यान से देखें और अच्छे तरीके से इसे ऐड कर लें। तो पहले आपको हैच यहां पर इंटर करना है, उसके बाद आपको 4 डिजिट का कोई भी नंबर यहां पर ऐड कर लेना है। तो जैसे हम 004 को लिख देते हैं, 4 लिखने के बाद आपको यहां पर क्या करना है कि फिर से हैच को डालना है। तो जैसे आप यहां पर हैच डालेंगे तो ऊपर डन का एक ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको डन कर देना है। तो जैसे ही करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कॉलर आईडी के यहां पर दिखा रहा है, तो आपको इसे जब भी ओपन करना होगा तभी आप कॉल से ही कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर डन करके आपको ओपन करके दिखाते हैं, जैसे यहां पर डन कर लेते हैं, डन करने के बाद यहां पर हाइड हो चुका है। दो ऑप्शन यहां पर और मिल जाता है, हाइड फ्रॉम रिसेंट टास्क और उसके बाद आपको मिलता है हाइड नोटिफिकेशन। तो इसे हम ऑन कर लिए, इसे भी यानी नोटिफिकेशन वगैरह यहां पर हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो सिंपली आपको क्या करना है, होम स्क्रीन पर आना है और आपको दिखा देते हैं कि कहां से आपको करना है। तो डायलर के यहां पर ओपन करना है, जहां से आप फोन लगाते हैं वही डायलर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो कोड आप वहां पर डाले थे वही कोड को यहां पर डालना है। जैसे कि यहां पर हैश डाल लेते हैं, उसके बाद 4 0 डाल लेते हैं, 4 0 डालने के बाद उसके बाद हमको फिर से हैच डालना है। तो देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आ चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पर हाइड कर सकते हैं और यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसे यूज करके भी दिखाते हैं, तो जैसे ही हम कैपकट को यूज करेंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाता है कैपकट। तो आप इजीली यहाँ से आप आसानी के साथ यूज कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। और जैसे ही इसे आप कट करते हैं तो आपको स्क्रीन पर कहीं पर भी कैपकट नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं कहीं पर भी मेरा कैपकट दिख नहीं रहा है। तो आप इजीली यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं और यहीं से आप ऑन करके इसे यूज भी कर सकते हैं। आप किस फोन को यूज करते हैं और किस फोन में ये काम कर रहा है तो आप अपने फोन का नाम जरूर लिख करके कमेंट करें कि मेरा ये फोन है और इसमें वर्क कर रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। यहां पर आपको इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।